नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का मल कड़ा हो जाता है और मल त्याग करते वक्त उसे कठिनाई होती है और जोर भी लगाना पड़ता है, कब्ज कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको सुबह सुबह उठकर टॉयलेट जाकर फ्रेश होने में दिक्कत होती है तो यह कब्ज के होने के शुरुआती लक्षण है। दोस्तों, कब्ज होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण, लेस फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेच का होना, शरीर में पानी की कमी के कारण, फाइबर की कमी के कारण और अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल करने के कारण भी अक्सर इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और व्याधि विशेष की स्थिति में, जैसे जो लोग डायबिटिक या शुगर के रोगी होते हैं, उन लोगों को भी यह समस्या होती है। अगर आप कुछ योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो या हमारे डाइजेशन से जुड़े जो भी विकार हो, किस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिए। पानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। और फल फ्रूट्स का सेवन करें और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और इन योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वक्रासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे पीछे की तरफ पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं और यह अभ्यास कॉन्स्टिपेशन के रोगियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने राइट पैर के घुटने को पकड़ लेते हैं और पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से कम 4 से 5 बार करें। इस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर 2 ग्लास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह कॉन्स्टिपेशन के रोगियों के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फिट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हैं। कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर नीचे ऐसे ही से कम आप 5 से 6 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासना। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके। फिर सेंटर में आते हैं। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से कम आप 5 से 6 बार कीजिए। फिर नीचे इसके बाद कटी चक्रासना सेकंड को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे राइट कमर के पास और
अपने राइट हाथ को ऐसे अपने कंधे के पास रखते हुए ऐसे अपने शरीर को मोड़ लेते हैं और राइट पैर के हील को ऐसे देखते हैं। 10 सेकंड तक रुकते हैं, फिर सीधे फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। और फिर हम करेंगे उद्राकर्षण योग। ऐसे ही आपने कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही कागासना पर बैठ जाइए। जब आप ऐसे ही कागासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लें और अपने घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। कुछ देर तक रुके और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पंजे के पास रखें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। ऐसे सेंटर में आते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं और सेंटर में आ जाते हैं।